हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीनमाल रीट परीक्षा में धांधली व भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के प्रदेश व्यापी आह्वान पर बुधवार को भाजपा द्वारा एसडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली, भीनमाल विधायक पूरा राम चौधरी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष धूकाराम राजपुरोहित व नगर अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां राज्य सरकार की नाकामियों व प्रदेश में व्याप्त अराजकता के विरोध में करीब घंटा भर तक नारेबाजी कर आक्रोश प्रकट किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहाली व अराजकता के माहौल को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। इस अवसर पर सरपंच खेमराज देवासी, जुजानी सरपंच वरदाराम चौधरी, पूर्व नपा अध्यक्ष सावला राम देवासी, नेता प्रतिपक्ष प्रवीण एवं दवे, पूर्व नगर अध्यक्ष भरत सिंह भोजानी, शेखर व्यास, भाजपा युवा नेता मकना राम चौधरी कुशलपुरा, जोरावर सिंह राव, इंद्र सिंह निम्बावास, इंद्र सिंह राव, सुरेश वोरा, नरसाना मंडल अध्यक्ष पीरा राम जाट, जसराज राजपुरोहित, भरत सिंह राव, पूर्व नपा अध्यक्ष सरोज बाफना, किशोर सांखला, सुमेरमल बाफना, सायपुरी जुजानी, मंडल अध्यक्ष टीकम सिंह राणावत, पहाड़ सिंह राव व हरीश त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। जागरूक टीवी की भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।